अल्लाह जी सब कैसे हैं अल्लाह सीरिया सबकी ताक होंगे तो आई मॉन दफलाबाद रास्ते में मेरे हो गए थाउजेंड सब्सक्राइबर पूरे तो मैंने कहा जी आज मैं लाइव जाके अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत बहुत आपकी सपोर्ट का आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है वॉच किया है और सब्सक्राइब किया है आपको पता है जो नए यूट्यूब पर जाना उनका स्टार्ट में जो है एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत कीमती होता है तो थाउजेंड तक जाना भी मुझे बहुत खुशी की बात फील हो रही है और मिलियंस में भी इंशाल्लाह हम जाएंगे आपने हमारी वीडियोस को इसी तरह प्यार करते रहना है वॉच करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरी फैमिली भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थैंक यू बोल देना हम सबको थैंक यू अच्छा जी हम फैसलाबाद से आ गए थे रात को वापस और ये अगले दिन दोपहर का मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ मेरे पास थी कुछ सब्ज़ियाँ उनको मैंने ना काट लिया और मटर भी निकाल लिए गाजरें और मटर जो है ना ये मैंने इस तरह पैकेट्स बना के ना फ्रीज़र में मैं रख लेती हूँ फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौन फ़ौन मंगाने की बजाय आप ये फ्रोज़न निकाल के यूज़ कर सकते हैं तो ये देखें इस तरह बड़ी नफास्त से मैंने ना गाजरें भी काट ली और मटर भी निकाल के पैकेट्स बना के रख लिए आज मैं बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पर जी वेजिटेबल चिकन डाल के ना पुलाव जो कि बड़ा ही मज़ेदार टेस्टी बनता है ये देखें वेजिटेबल्स जो है मैंने ले ली हैं तो चलें पहली रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग आपने पूरा वॉच करना है इसमें दो मज़ेदार रेसिपीज आपके लिए हैं ठीक है एक तो हम पुलाव बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे लाहौर की फेमस जो है खलीफा नान खताई जो कि घर में बड़ी आसानी से बन के तैयार हो जाती है ठीक है जी तो प्याज़ को मैंने गोल्डन कर लिया है तो पुलाव की तैयारी यहाँ चल रही है लहसुन अदर का मैंने पेस्ट डाल दिया है इसकी मैं थोड़ी देर करूँगी बुनाई ताकि प्याज ज़रा हमारे सॉफ्ट हो जाए आजकल ना वाइट प्याज आ रहे हैं लाल वाले नहीं आ रहे तो वाइट प्याज ज़रा थोड़ा ना देर से गलता है तो मैंने कहा ज़रा अच्छी तरह गल जाए चिकन शामिल कर दिया कुछ खड़े मसाले में शामिल करूँगी और इसमें ज़ीरा वगैरह डाल के ना तो चिकन की मैं अच्छी तरह पहले बुनाई करूँगी फिर इसमें डाल दिए मैंने जी ये कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और नमक ये बेसिक्स मसाले जो घर वाले ना उनसे ये पुलाव बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टफुल बनता है तो देखें यहाँ चिकन की बुनाई अच्छी तरह हो रही है क्योंकि चिकन अगर अच्छी तरह फ्राई हुआ हो अच्छी तरह बुना हो तो कच्चापन जो है ना उसका खत्म हो जाता है चावलों में बहुत ही अच्छा ना जैसे देगी पुलाव है ना वैसा टेस्ट आता है सब्जियाँ मैंने शामिल कर दी हैं जी गाजर मटर आलू तो अब इसकी जरा बुनाइयाँ करके कर, हम इसकी खुशबुएँ उड़ाएँगे ਫਿਰ ਹਮ ਇਸਮੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਬਲਨਾ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੇ ਕਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਬੋਇਲ ਹੋਗਾ ਨਾ ਤੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਡਾਲ ਦੂੰਗੀ ਅੱਛਾ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਜਿਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲਏ ਨਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪੌਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਝੋਟ ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਲਸਣ ਜਦ ਪਾੜਨਾ ਤਬੀ ਟਮਾਟਰ ਡਾਲ ਲੈਨੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚੇ ਮੈਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੜਕੇ ਛੜਕੇ ਹਮਾਰੇ ਲ तो अब इसमें ना मैं पानी शामिल करूँगी और तो खुशबू आने लगी थी बड़ी अच्छी अब मैंने पानी शामिल कर दिया पानी क्योंकि पहले ही उबल रहा था तो इसलिए मुझे उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं थी साथ ही मैंने चावल शामिल कर दिए चावल जो हैं वो मैं आ, उसके कायनात के स्टीम राइस जो है वो यूज़ करती हूँ सेला नहीं है ये दूसरे बासमती राइस है तो ये बड़े ही मज़े के लंबे, लंबे लंबे ना चावल बन के साथ तैयार हूँ ने देखें जी पानी खुशक हो गया अब जो है इसको मैं दम लगा दूँगी दम जो है वो पंद्रह मिनट का मैं लगाऊँगी तकरीबन तो चावल तैयार हो जाएंगे अच्छा जी चटनी हरी जो है वो आपको पता मेरे किचन गार्डन में मैंने सारी छोटी छोटी सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगाई हुई है। हैं वहाँ से लाई मैं सबज़ लहसुन और सबज़ धनिया और इसमें डाली मैंने दो सब्ज़ मिर्चें चंगा कटापा लाया रज के तो फिर चटनी बारीक करके दही में डाल ली बड़े ही शानदार उधर दम खुल गया पुलाव हमारा वेजिटेबल और चिकन वाला हो गया तैयार देखें जी कितने खिले हुए और ख़ूबसूरत चावल बन के जो है ना रेडी हुए हैं तो बस दोपहर में जो है मैंने कहा कि बच्चों के आज चावल ही बना देती हूँ रात के थके हुए आए थे फैसलाबाद से तो बस थोड़ा लेट ही उठे तो फिर मैंने पुलाव बनाया तो बच्चों ने ना खूब इन्जॉय करके खाया अब डिश आउट कर रही हूँ ये डिश आउट जो करने का मकसद होता है ना ये हम अपने ऑडियंस के लिए करते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए करते हैं तो आज वैसे ही हम बड़े खुश हैं कि हमारे थाउजेंड सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो इस वजह से ना बस दिल में अजीब सी खुशी सी फील हो रही है आज मज़ा आ रहा है काम करने का भी हमें तो देखें जी ये मेरी यूट्यूब फैमिली की प्लेट है आप भी खाएँ बनाएँ इंजॉय करें इसी तरह खिले हुए चावल आ, सर्दियों में ना ये सब्जियों वाले चावल बड़े ही टेस्टी लगते हैं चिकन पाना है थोड़ी तो मर्जी है वरना सिर्फ सब्जियों वाले ही बनाओ साथ चटनी रायते बना लो तो मज़ा दुबाला हो जाता है और इसी बहाने से ना बच्चे सब्जियां खा भी लेते हैं तो ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म के चावल हमारे खिले हुए लंबे लंबे बन के हो गए तैयार और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी दूसरी रेसिपी जो है ना ख़लीफा नान खताई बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा लाहौर की ये फेमस है तो वैसे तो मैं ये अपनी ना शादी से पहले भी बहुत मजे की ये नान बना लेती थी मुझे रेसिपी कंप्लीट याद थी मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं अल्लाह करे अच्छी बन जाए लेकिन अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी माशाल्लाह बनी तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं ना अब मैं शामिल करूँगी साथ साथ आपको बताती हूँ डेढ़ कप जो है ये मैदा ले लिया हाफ कप बेसन का ले लिया है एक कप पिसी हुई चीनी ले ली है ठीक है और हाफ चम्मच हमने बेकिंग पाउडर और एक पिंच जो है बेकिंग सोडा इन सारी चीज़ों को ना हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना हाथों से और यहाँ करेंगे हम घी का इस्तेमाल घी के दो ऑप्शन हैं आपने देसी घी अगर यूज़ करना है वो भी ले सकते हैं डालडा यूज़ करना है वो भी ले सकते हैं हाफ हाफ़ की क्वांटिटी भी ले सकते हैं अच्छा अच्छा घी की क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं आपको बता रही कि कितना यूज़ किया वो थोड़ा थोड़ा डलता जाएगा और डो हमारी ना इस तरह सॉफ़्ट होनी चाहिए जिस तरह आटा गूंदा हुआ ये देखें इतनी सॉफ्ट डो लगाने के लिए मेरा ख्याल है कि पौना का कप घी का जो है ना वो इस्तेमाल हो जाता है घी आपने जमा हुआ यूज़ करना है मेल्ट नहीं करना अच्छा जी छोटे छोटे इसके हम पेड़े बना लेंगे बेकिंग ट्रे में रख लेंगे मैं ये कढ़ाई में इनको बेक कर रही हूँ देसी तरीके के साथ ताकि हमारे सारे ऑडियंस बड़ी इजीली बना सके जिनके पास ओवन नहीं भी हैं तो इस पे मैंने एक एक बादाम लगा दिया जर्दी जो है उस पे मैं ब्रश कर दूँगी वाइट नहीं अंडा लेना जर्दी सिर्फ लेनी है ठीक है इस तरह करके नगी तरह से सजा से लेना है देखें कितनी प्यारी नानखतायाँ लग रही हैं ये इतनी खस्ता बन के तैयार होती है ना सोच है आपकी अच्छा जी कढ़ाई में इसको ना हमने फोटी मिनट बेक किया है बीच में एक दो दफ़ा आपने ना चाती चूती मार लेनी है सड़ ना जाए क्योंकि ख्याल रखना पड़ता है वरना फोटी मिनट में ये बेस्ट बेक हो जाती हैं थोड़ी सी पहले लगती हैं जैसे सॉफ्ट हों लेकिन बाद में इनको ठंडा कर लें तो ये क्रिस्पी क्रंची बन जाती हैं तो देखिए माशाल्लाह ख़ूबसूरत किस्म की हमारी होममेड मेरे हाथों की बनी हुई नान खतियाँ तैयार हैं बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि हमारी मामा कितनी अच्छी चीज़ें बना लेती है तो ये आ, समझ लें मेरे बच्चों के लिए भी है और यूट्यूब फैमिली के लिए भी है ये देखें कितनी क्रिस्पी और कलर कितना ख़ूबसूरत आया बिल्कुल जली हुई नहीं है ख़ूबसूरत ख़लीफा नानखताई बन के तैयार है तो आप चैनल को जो है ना लाजमी विज़िट किया करें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं अपने बच्चों के लिए बनाया करें अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़